हेलो गाइस, आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम जा रहे हैं पंजाब, हिमाचल से पंजाब। 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे अपने पेरेंट्स से मिले हुए, तो आज मैं जा रही हूँ और जाने की एक स्पेशल वजह भी है। टेक्निकली 6 महीने नहीं हुए हैं, अभी नवंबर में ही इसके पेरेंट्स आए थे। क्यों आए थे खुद ही बता दो। क्योंकि मेरे भाई की वो पार्टी थी, डेस्कटॉप पार्टी। एक्चुअली इसकी नामकरण सेरेमनी थी नायशा के भाई की, तो वो आए थे और अब मैं जा रही हूँ उनके पास। मेरे भाई की शादी है तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे। और मेरे मामू की। और मैं अपने लॉस के यहाँ पिछले जनवरी में गया था, अब अगले जनवरी में जा रहा हूँ पूरे एक साल के बाद। बीच में ड्यू टू कोरोना आई कुड नॉट गो, और बीच में तो अप्रैल में जब जाना था तो लॉकडाउन हो गया था। करेक्ट। तो आज हम जा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हिमाचल से जब पंजाब जाते हैं ये 6 आवर्स की लॉन्ग ड्राइव हो जाती है। वैसे तो 5 घंटे का ही रास्ता है पर हम लंच वगैरह के लिए रुकते हैं तो 6 घंटे लग जाते। मज़ा आ जाता जाके, मस्ती मारो, गाने सुनो, बाहर लंच करो, तो कोई 6-6.5 घंटे लगा के हम पहुंचते हैं पंजाब। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले काफ़ी वीडियोस में मैं नहीं थी, और जैसे कि प्रॉमिस किया था आपको पालमपुर दिखाने का, वो भी मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि उसका एक रीज़न था। हम पालमपुर जब भी जाते थे तो मैं एक्चुअली चेकअप के लिए जाती थी, चेकअप होता था मेरे बेबी का, तो इसलिए मैं नहीं आती थी। इस 2 मंथ्स ओल्ड नाउ, सो आई एम बैक विद द बैंक। अब आपको बहुत कुछ मेरी तरफ से सुनने को भी मिलेगा, कुछ स्टोरीज कुछ दिखाने को भी मिलेगा। और राइट नाउ ही इज ऑन माई लैप, सो रहे हैं भाई साहब चलती गाड़ी में सो रहे हैं। एक्चुअली ये गोदी में ही सोते हैं, गोदी ना मिले तो ये जागते रहते हैं कि रोते रहते हैं। जागते भी रहते हैं, रोते भी। जागना इज वेरी लिबरल कमेंट फॉर हिम, यू नो। हम आपको पंजाब की झलकी दिखाएंगे, पंजाब की आपको झलकी दिखाएंगे। एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट जो कि हमारे साथ जा रहा है हमारे इन लॉस के यहाँ। हर नेम इज मानवी, जो कि आपने पिछली वीडियोस में देखी हो। सो दिस इज मानवी, जो कि आपने हमारी कितनी पिछली वीडियो में, एक वीडियो में देखी है आपने, बर्थडे की, जो बर्थडे वाली वीडियो में। तो बेसिकली मैं और मानवी जा रहे हैं नायशा की मम्मा और एरिन को ड्रॉप करने, और फिर हम लोग दोबारा जाएंगे पंजाब जब मेरे ब्रदर इन लॉ की इंगेजमेंट है तब। राइट, तो देन ऑल्सो आई विल सी कि इफ आई कैन गेट अ टाइम टू ब्लॉग। वैसे काफ़ी टाइम से मैं जो मेरा ब्लॉगिंग है मैंने नहीं किया ड्यू टू यू नो वर्क एंड ऑल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई कीप स्पेंडिंग एंजॉइंग। वो आग जलाते हैं ना, तपता जिसको बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, तपते रहते हैं हम सारा दिन, तो तपने के चक्कर में नहीं कुछ कर रहे हैं, बट दैट इज व्हाट इट इज। राइट, एंजॉय। अब हम लॉन्ग ड्राइविंग के मजे लेंगे। एक्चुअली आई लव लॉन्ग ड्राइविंग। हम गाने सुनते हैं क्योंकि कुछ करना नहीं होता, चेयर पे बैठना होता है, गाने सुनो, आते जाते खाओ पियो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, घर का काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कुछ नहीं करना। बच्चे अपने आप खाना खाते हैं जाते हुए क्योंकि वो चिप्स नमकीन खाते हैं, रोटी उनको खिलानी नहीं पड़ती। सो आई लव लॉन्ग ड्राइविंग। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय, गाइस अभी हम ढाबे पे हैं, ढाबा तो नहीं बोल सकते इसको, होटल बोलेंगे। आई एम डूइंग माय काइंड ऑफ, और हमने अपना ऑर्डर कर दिया है, और एरिन की मम्मी एरिन को उसका फूड खिला रही है, पिला रही है दूध पिला रही है। ये बड़ा शरारत हुआ है नायशु की बुआ, और तब तक हम मैगी खा, ये खा रहे हैं मैगी, और सिंपल मैगी, प्लेन मैगी, और बाकी हमारा ऑर्डर आ गया है अब, विच इंक्लूड्स पता नहीं क्या क्या,
पनीर भुर्जी और येलो दाल, और बाकी ये भी आ रहा है। ये देखो सिंपल मैगी खा रहे हैं ये। ये दूसरी तरफ हमारे ये एरिन साहब, इन्होंने अपना मचा रखा है काम हर बार की तरह, रोना धोना एंड ऑल। ये देखो ये हैं, ये भाई साहब टिड्डू से, काकू बर्पिंग बर्पिंग yes. काकू बर्पिंग बर्पिंग का सामान तैयार कर रही हो yes. तो ये दुद्दू बना रही है काकू के लिए। गाइस अब हम पंजाब पहुंच चुके हैं और हमें हिमाचल से चले हुए 4 घंटे हो चुके हैं, और राइट नाउ हमने अनंतपुर साहब क्रॉस किया है, और अब मुझे अपने पेरेंटल हाउस पहुंचने में 2 घंटे लग ही जाएंगे। Really very very excited. It's not even 100 kilometers, almost 85 kilometers from here. Yes, 85 kilometers from here. Yeah. Yes, so 85 kilometers बचा है ये। अब तो हमने रास्ते में जूस पिया, ब्रेकफास्ट किया, जो कि I would let Nikita explain how was it. Yeah, हमने actually आज ऐसे जगह पे लंच किया। पहले जब भी हम दिल्ली से पालमपुर आते थे, पालमपुर से दिल्ली जाते थे, हम वहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच करते थे, तो उसके सामने ही एक नया रेस्टोरेंट खुला था जिसको हम हर बार सोचते थे कि हम एवरी टाइम सेम ही रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, नेक्स्ट टाइम यहाँ खाएंगे, तो दिस टाइम वी ट्राइड दैट, और सीरियसली वहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ही गंदा था। सो हमने जो सोचा हुआ था कि कभी इसमें ट्राई करेंगे वो आज हमने ट्राई कर लिया और हमें अच्छा नहीं लगा और दोबारा हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। फिर हमने अपना मूड सेट करने के लिए थोड़ा आगे आके हमने जूस पिया। अब बस हम चल पड़े हैं, अब हम कोई स्टॉप नहीं लगाएंगे, तो सीधा अब मैं अपने पेरेंटल हाउस पहुँचूंगी। बाय 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 बाय।